अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, माय नेम इज़ जमील अहमद खान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं सूरह तकासुर। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस सूरह, आई वांट टू टेल दैट ऑल द वीडियोस रिगार्डिंग सूरह अल कलम हैज़ बीन अपलोडेड इन माई ऑन टू माई चैनल। प्लीज़ गो एंड वॉच इट। बहुत ही प्यारी सूरतें हैं। आई रिक्वेस्ट एवरी वन टू लर्न कुरान, बिकॉज सीरियसली आई टेल यू गाइज, लाइफ इज़ ए वेस्टेड लाइफ इफ़ यू डू नॉट रीड दिस कुरान विद ट्रांसलेशन एंड यू नो अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। आपकी ज़िंदगी आपने वेस्ट कर दी अगर आप पूरी ज़िंदगी में कुरान अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझ कर, तर्जुमे के साथ नहीं पढ़े तो आपने ज़िंदगी ज़ाया कर दी। तो ये बेहतरीन किताब है। हर एक को जो है ये किताब से गोत्रू होना ज़रूर ब ज़रूर चाहिए। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सूरह तकासुर सूरह नंबर 102 है। ये 8 आयतों पर मुश्तमिल ये सूरत है और ये 30वें पारे में पाई जाती है, 30 लास्ट पारा ऑफ कुरान। ओके, द बिलवड बेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड। ये सूरत जो है इब्तदाई मक्के के इब्तदाई दौर में यानी कि 5वीं नबी में नाजिल हुई जो सूरत है, और जितने भी मक्की दौर के सूरतें हैं जो कि इनिशियल स्टेजेस में रिवील हुए हैं, वो सूरत अगर आप देखेंगे, अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जितने भी सूरत है मक्के के लोगों के, जितने भी अहवाल, कैरेक्टर्स, बिहेवियर्स और जो करते थे, जो उनके जो उनकी बिहेवियर था, वो उसको हाईलाइट करते हुए, उसको एम्फोसाइज़ करते हुए उसके बारे में सॉल्यूशन बताया गया है या झिझोड़ा गया है पकड़ के, कि अगर कुछ कोई गलत कर रहा तो उसको बताया गया है, उसको शेक करके बताया गया है कि तुम इस पर गलत कर रहे हो, तुम जो है इसको सही कर लो वरना तुम परेशानी में रहोगे, आगे जाके तुम्हारा खसारा होगा। तो जितने भी सूरतें ऐसी हैं, ये जितने भी सूरतें हैं आप देख लीजिए, 1st to 5th नबी के जितने भी सूरतें हैं, तो इसी में तकासुर भी 5th नबी की सूरत है। ये बेस्ट सूरह है। आई लाइक दिस सूरत वेरी वेरी मच। ये सूरत हमारे लिए किस तरह काम में आती है, देखिए मैं कहता हूँ कि हम जो लाइफ गुजार रहे हैं काफ़ी मटीरियलिस्टिक लाइफ है। अब सवाल ये पैदा होता है, व्हाट इज़ ए मटीरियलिस्टिक लाइफ? मटीरियलिस्टिक लाइफ का मतलब है कि हम को ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को पाने की एक जुस्तजू है। हम किफायतशारी की लाइफ और खिनात पसंदी की और जो है ग्रैटिट्यूड की लाइफ और शुक्रगुजारी की लाइफ से हम कोसों दूर है। अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं एक बात बताऊं कि अगर हमारे पास एक घर है तो वो घर थोड़ा छोटा है, तो हमको ये डिज़ायर्स पैदा होते हैं कि ये तो छोटा घर है, मेरे को बड़ा घर होना। अगर बड़ा है माशाल्लाह आपका घर, तो आपको ये डिज़ायर पैदा होगा कि जो है मेरी घर में अच्छा आंगन होना, पार्किंग होना, कार अंदर आना मेरी, ऐसा। अगर घर बड़ा है तो आपको एक फार्म हाउस की तलब उठती। अगर एक फार्म हाउस आपके पास ऑलरेडी है तो दूसरा फार्म हाउस को आप ट्राई करते। तो ये है एक मटेरियलिस्टिक लाइफ। हमारे पास जो है हम उससे खुश नहीं है। अगर आपके पास एक एनालॉग फ़ोन है तो आप स्मार्टफोन को ट्राई करते। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उसमें से भी आपको बेस्ट होना। अगर आपके पास बेस्ट है, एंड्रॉयड में बेस्ट है, तो आपको आईफोन की तलब होती। तो ये एक मटीरियलिस्टिक लाइफ है। हम इसकी वजह से शुक्रगुजारी, इसकी वजह से खिनात पसंदी और किफायतशारी से कोसों दूर है। तो ये सूरत उन लोगों के लिए है जो मटीरियलिस्टिक लाइफ और जिसकी मटीरियलिस्टिक माइंडसेट रहता और जिसको जो है कसरत, माल की कसरत ने उनको गाफिल कर दिया। ऐसे लोग गाफिल रहते हैं, गफलत का शिकार रहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। पहले मैं सूरत को जो है अरबिक में, इंग्लिश में, उर्दू में पढूंगा, फिर उसके बाद हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे एक आयत को कि क्या है। तो द सूरत इज़ रिफ्लेक्टिंग ऑन योर स्क्रीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم। English translation goes like, competition for more gains diverts you from Allah until you end up in your graves
बट नो यू विल सून कम टू नो, अगेन नो यू विल सून कम टू नो, इंडीड इफ़ यू वर टू नो यूअर फेट विद सर्टेनिटी यू वुड हैव एक्टेड डिफरेंटली, बट यू विल श्योरली सी द हेल फायर, अगेन यू विल श्योरली सी इट विद द आई ऑफ सर्टेनिटी, देन ऑन दैट डे यू विल डेफिनेटली बी क्वेश्चनड अबाउट योर वर्ल्डली प्लेजर्स। तो अब उर्दू ट्रांसलेशन, तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और एक दूसरे से बढ़कर दुनिया हासिल करने की धुन ने गफलत में डाल रखा है, यहाँ तक कि इसी फिक्र में तुम लब गौर तक पहुँच जाते हो। हरगिज़ नहीं अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा, फिर सुन लो कि हरगिज़ नहीं अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा, हरगिज़ नहीं, अगर तुम यकीनी इल्म के हैसियत से इस रविश के अंजाम को जानते होते तो तुम्हारा ये तर्ज अमल ना होता, तुम दोजख देख कर रहोगे, फिर सुन लो कि तुम बिल्कुल यकीन के साथ उसे देख लोगे, फिर ज़रूर उस रोज़ तुमसे इन नेमतों के बारे में जवाब तलबी की जाएगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो दोस्तों, जिस तरह मैंने बताया था कि हमारी लाइफ भी कुछ इस तरह हो गई है, उसी तरह मक्के के लोगों की, जब इब्तदाई दौर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत मिली थी तो मक्के का हाल भी कुछ इस तरह था कि वो कसरत माल पर जो है बहुत फ़ख्र करते थे और एक दूसरे से बाजी लेके जाने की दौड़ धूप में हमेशा लगे हुए रहते थे। मिसाल के तौर पर जो है कंपटीशन चलता था, सबसे ज़्यादा मवेशी किसके पास है, मवेशी जानवर या ऊंट या औलादे, औलादों में स्पेशली बेटे, अगर सबसे ज़्यादा बेटे किसी के पास है तो वो समझा जाता था कि वो बंदा जो है बहुत अमीर है। इस तरह कंपटीशन होता था माल में, सोने में, अशरफियों में और दौलत में कंपटीशन होता था। इसी तरह हमारे पास भी कुछ इसी तरह का माहौल आजकल आपको पाया जाता है, जिस तरह मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था। तो यहाँ पर अल्लाह पाक ऐसे लोगों को बता रहे हैं कि तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और एक दूसरे से बढ़कर दुनिया हासिल करने की धुन ने गफलत में डाल रखा है। अल्हाकुम तकाथुर, गाफिल किए रखा, मतलब तकाथुर यानी कसरत को बोलते हैं, और अल्हाकुम का मतलब है गाफिल रखना, तो ज़्यादा से ज़्यादा माल हासिल करना, यानी कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपये है तो किस तरह मैं 2 लाख रुपये की इनकम पर आ जाऊँ, अगर मेरे पास 1 घर है तो किस तरह मैं इसको फार्म हाउस मैं अपना बना लूँ, एक मेरा फार्म हाउस हो, अगर 1 है तो दूसरा फार्म हाउस कैसे आ जाए। इस तरह का जो है इसकी कसरत, माल की कसरत ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना, ये इंसान को गफलत में डाल देता है, गफलत में डाल दिया इंसान को। इसकी भाग दौड़ में जो है अल्लाह क्या है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम इस दुनिया में क्यों आए, इससे गाफिल हो गए। माल के हासिल करने की धुन में जो है इस चीज़ से के गाफिल कर दिया कि हमको मौत भी आनी है, हमको आखिरत के मरहले भी पार करने हैं, हमको अल्लाह के सामने ठहरना है, ये चीज़ से हम जो है गाफिल हो गए। तो ये यहाँ पर बताना चाह रहे, और तफसीर में आया है, स्पेशली मारिफुल कुरान में आया है कि इसमें नाजायज़ तरीक़ों से माल को हासिल करना भी आता है, जैसा कि हराम तरीक़ों से माल को हासिल करना, और अपने अल्लाह पाक के दिए हुए माल को जो है ऐसी जगहों पे ख़र्च करना जहाँ पर जो कि हराम है इस्लाम में, जैसा कि शराब नोशी है, जिनाकारी है, ऐसी जगहों पे। तो ये बताया गया है, ये रेफरेंसेस हैं मारिफुल कुरान, तफसीर इब्ने कसीर एंड तफहीमुल कुरान, ये 3 बुक्स है जिससे मैं कंटेंट लाया हूँ और मेरे उस्ताद का एक्सप्लेनेशन भी। तो ये कसरत माल ने जो है उस चीज़ से गाफिल कर दिया, यहाँ तक के इंसान को ख़बर में जा पहुँचा, यहाँ तक के ख़बर में जा पहुँचा, अपनी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी इस चक्कर में खपा दिया, माल कमाने में, बैंक बैलेंस जमा करने में, जो है प्रॉपर्टीज़ बनाने में, करते 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 यहाँ तक के मौत का झटका उसको आ गया, यहाँ तक के वो ख़बर तक पहुँच गया। ठीक है, अगली आयत में ये बोल रहे, यहाँ तक के इसी फिक्र में तुम लबे गौर तक पहुँच जाते हो, लबे गौर यानी ख़बर, इसी फिक्र में, इसी असना में, इसी भागदौड़ में, दगो धूप में तुम खबर तक पहुंच गए। तो दोस्तों, यहाँ पर और एक चीज़ भी तफहीमुल कुरान में बताई गई है कि एक एस्पेक्ट ये भी है कि गफलत इतनी तारी हो गई कि माल को हासिल करने की चक्कर में हम लोगों ने जो है अल्लाह की हदूदों को फलांगना चालू कर दिया, हराम हलाल की तहजीब हमारे अंदर से चले गई, लोगों को जुल्म करना लोगों के ऊपर और लोगों के हुकूक मार देना, लोगों के
लोगों को बांटना नहीं, जितने भी अल्लाह ने हम सबको अहकामात बताए थे उसको पशे पुश्त कर देना, ये भी आता है इसमें। तो तफहीमुल कुरान में ये बताया गया है। तो हम इतना गाफिल हो गए माल के चक्कर में कि हम ऐसे ऐसे तरीक़े भी इख्तियार कर लिए जो उसको हासिल करने में, क्या हासिल करने में, माल को हासिल करने में, जो कि नाजायज़ है। तो ये बताया गया है कि इससे खिताब आम इंसान भी है कि वो लोग एक दूसरे के कंपटीशन में और बढ़तरी हासिल करने में, किस में, माल और औलाद में बढ़तरी हासिल करना, प्रॉपर्टीज़ में, बैंक बैलेंस में बढ़तरी हासिल करने ने उनको गाफिल कर रखा, इतना गाफिल कर दिया, इतना मशगूल रहे ये लोग, इतना मस्त रहे कि अपने अंजाम को भूल गए, अपने अंजाम को सोचने का इनको मौका तक नहीं मिला। तो यहाँ पर मारिफुल कुरान में एक चीज़ आती है कि जो हमारा माल है और जो हमारी जितनी भी बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी है, जो इस्तेमाल किया गया है वो हमारा है, और जो जितना भी हम इस्तेमाल नहीं करें वो जो है दूसरों का माल है। जो हम लोगों ने इस्तेमाल कर दिया और सदक़ा व खैरात और ज़कात के ज़रिए से आगे भेज दिया वो माल हमारा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं, मेरे पास 1 लाख रुपए मौजूद है, 1 लाख रुपए मौजूद है जिसमें से मैंने 10,000 का खाया, पिया, पहना, उड़ा, ये 10,000 रुपये मेरे हैं, और बाकी के 90 और उसमें से खैरात किया और उसमें से जो है ज़कात अदा किया और उसको जो है सदक़ा किया, तो ये 10,000 मेरा माल है, और जो छोड़ा, जो छूटे हुए पैसे हैं वो जो है वो अपने वारिसिन का है। यहाँ पर एक हदीस आती है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन शिखर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शुखैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक रोज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचा तो आप अल्हाकुमुत्तकासुर पढ़ रहे थे और ये फरमा रहे थे कि आदमी कहता है कि मेरा माल मेरा माल, हालांकि उसमें तेरा हिस्सा तो इतना ही है जिसको तूने खाकर फना कर दिया या पहनकर बोसीदा कर दिया या सदखा करके अपने आगे भेज दिया, और उसके सिवा जो कुछ है वो तेरे हाथ से जाने वाला है तो उसको लोगों के लिए छोड़ने वाला है। यहाँ पर क्या पता चला कि जो हम लोगों ने इतना बचा के रखा वो हम लोग उनके लिए छोड़ने वाले हैं जो हमारे वारिसिन हैं, यानी कि जो हमारे रिश्तेदार हैं या औलाद है, जो हमारे औलादे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो जितना भी हम माल कमा रहे हैं ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है दोस्तों, मटीरियलिस्टिक लाइफ एक बहुत बड़ा ट्रैप है। तो इसको टैकल करने के लिए, बीट करने के लिए इसको आया है, और हमारा जहन कैसा रहना कि हम ज़रूरियत के एतबार से हमारी ज़िंदगी गुजरना, ख्वाहिशात के एतबार से अगर चलेंगे तो वो लामहदूद है। ख्वाहिशतों को जो है सिर्फ़ और सिर्फ खबर की मिट्टी ही जो है ख़त्म कर सकती है। मिसाल के तौर पर एक हदीस में आया है, इमाम बुखारी की हदीस है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आदमजात के लिए, आदमजात यानी मैं और आप, आदमजात के लिए एक वादी दामन कूरा सोने से भरी हो मौजूद हो तो वो उस पर क़िनात नहीं करेगा बल्कि बल्कि चाहेगा कि ऐसी दो वादियां हो जावे और उसके मुंह को तो खबर की मिट्टी के सिवा कोई चीज़ भर नहीं सकती, और अल्लाह ताला तो बखबूल करता है उस शख्स की जो उसकी तरफ रुजू हो। ठीक है, यहाँ पर क्या फरमा रहे अल्लाह पाक, हदीस में क्या फरमा रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इंसान के पास एक सोने की वादी हो मौजूद हो तो उस पर क़िनात नहीं करेगा, उसके ऊपर जो है वो शुक्रगुजारी नहीं करेगा बल्कि वो दूसरे की तलब करेगा, दूसरे को चाहेगा और हो जाना और मिल जाना, दूसरा आया तो तीसरा, और इसको सिर्फ़ और सिर्फ इसकी भूख को खबर की मिट्टी ही जो है रोक सकती, बुझा सकती इसकी भूख को। और बेहतरीन शख्स वो है, बाकबूल शख्स वो है जो अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए। अगर आपको बचना है इस चीज़ से तो आप अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ, रुजू इलाल्लाह कर दो, तो तभी आप जो है बच सकोगे, वरना ये मटेरियलिस्टिक का ट्रैप जो है आपको खा जाएगा। एक वक्त आएगा कि आप डिप्रेशन की गोलियां खाने लगोगे, एक वक्त आएगा कि जो है जितने भी आपको ये दुनिया में परेशानियां नज़र आते हैं या कि सुसाइड्स वगैरह आते हैं वो इसी के बिना पर होते हैं कि वो माल की कसरत हासिल करते 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 एक ऐसा पॉइंट आता कि वो अपने आप को कोसते रहते, अपने आप को
वो हकीर समझते, जिसकी चक्कर में वो ऐसा बड़ा स्टेप ले लेते। शुक्रगुजारी की लाइफ जीना, अगर मेरे पास एक घर है तो उसके ऊपर शुक्र होना, और उन लोगों को देखना कि जिसके पास घर नहीं है और वो किराए के मकान में रह रहे, किराए के लोग जो है, किराए के घर के लोग, हाँ बेशक उन लोग, वो लोग जो है ट्राई करना, नहीं बोल के नहीं, किराए के मकान वाले लोग जो है ट्राई करना कि अपना खुद का घर बनाए, क्योंकि वो ज़रूरत है। और किराए के मकान के लोग, उन लोगों को देखना जिसके पास छत नहीं है रहने, वो जो बेघर है। तो इस शुक्रगुजारी की लाइफ में आपको एक तस्कीन मिलेगी, सुकून मिलेगा आपको, एक पीसफुल लाइफ, आपका एक पीस ऑफ माइंड रहेगा। और यहाँ पर ऑन द अदर साइड, अगर आप माल 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 की कसरत में दौड़ धूप करोगे आप, तो आपको जो है, मे बी यू यू गॉट टू हैव टैबलेट्स ऑफ डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर। तो ये चीज़ है, तो देखिए आप, और आप चूज़ करिए आपके लिए क्या बेस्ट रहता। दोस्तों आगे बताया गया है कि हरगिज़ नहीं, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा। फिर सुन लो कि हरगिज़ नहीं, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा। क्या क्यों हरगिज़ नहीं दो दो बार आया? कि वो ज़माने में जब ये सूरह नाजिल हुआ, तो मक्का के लोग जो है इसी को कामयाबी समझते थे, इसी को जो है एक दूसरे से बढ़कर माल हासिल करने को ही तरक्की समझते थे। तो यहाँ बता रहे कि हरगिज़ नहीं, बहुत जल्द तुमको मालूम हो जाएगा। फिर वही चीज़ आई है, हरगिज़ नहीं, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा। बात को दो दो बार बोलने से बात की इम्पोर्टेंस पता चलती है, और बात को जो है, जब कभी भी किसी चीज़ को दो दो बार बोला जाता, दैट मीन्स द वर्ड और द सेंटेंस हैज़ सम वेट इन इट। बात की वज़न को बताने के लिए दो बार बोला जाता। तो यहाँ पर अल्लाह पाक मक्के के लोगों को और उनके ज़रिए से हम सबको ये बता रहे कि ये तरक्की नहीं है, ज़्यादा माल का हासिल करना तरक्की नहीं है, हरगिज़ नहीं है। एक दूसरे से बढ़कर जो है औलादें हासिल करना, माल हासिल करना, उसके ऊपर फ़ख्र करना, जो कि हम लोग जो कर रहे हैं, ये तरक्की नहीं है। तुमको बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि क्या चीज़ तरक्की है। कल्ला लौ तअलमूना इल्मल यकीन, यानी कि हरगिज़ नहीं, अगर तुम यकीनी इल्म की हैसियत से इस रविश के अंजाम को जानते होते तो तुम्हारा ये तर्ज अमल ना होता। यहाँ पर आयत नंबर 5 में ये बोल रहे हैं कि अगर तुम यकीनी इल्म की हैसियत से, अब देखो इल्म, इल्म यानी नॉलेज को बोलते हैं, और यकीन यानी बिलीफ को बोलते हैं, राइट। इल्म यकीन दो तरह का होता है, एक है इल्मुल यकीन, एक है ऐनुल यकीन। इल्मुल यकीन यानी इल्म की बिना पर किसी चीज़ को यकीन करना, मिसाल के तौर पर अल्लाह पाक का एग्जिस्टेंस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्जिस्टेंस, ये कायनात का एग्जिस्टेंस, फरिश्तों का एग्जिस्टेंस, इसकी बिना पर हमको कुरान का इल्म दिया, नबी की सीरत का इल्म है, उसके बिना पर हम यकीन कर रहे के ये है बोल के। तो ये हुआ इल्मुल यकीन। ऐनुल यकीन क्या है? वहाँ अपने नेकेड आई से देखने के बाद यकीन करना। अब इसकी मिसाल मैं कुछ ऐसा दूंगा कि मिसाल के तौर पर मैं आज तक यूएस को नहीं गया, लेकिन मेरे को यूएस इस दुनिया में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस दुनिया में है बोल के यकीन है। कैसा यकीन है? इल्म की बिना पर। इल्म की बिना पर कैसा? मैंने गूगल मैप्स पे उसका मैप देखा हूँ, उसके फ़ोटोज़ देखा हूँ, तो मैं यकीन करता हूँ कि यूएसए इज़ एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड। ओके, ये हो गया इल्मुल यकीन। मैं इल्म की बिना पर यकीन करता हूँ कि अमेरिका है इस दुनिया में। एक है ऐनुल यकीन। ऐनुल यकीन यानी आप प्लेन की टिकट करके वहाँ जाके आप अमेरिका में रह के देखें, ये हो गया ऐनुल यकीन। तो दो तरह का इल्म होता है, एक है इल्मुल यकीन, एक है ऐनुल यकीन। अगर आप इल्मुल यकीन से, इल्मुल यकीन आपको कामयाब करेगा दुनिया में भी और आखिरत में भी, स्पेशली आखिरत में अल्लाह के हुजूर आपकी कामयाबी कराएगा। ऐनुल यकीन यानी वहाँ जाकर आप देखोगे तो वहाँ का यकीन करना कुछ काम में आने वाला नहीं है, आप अफसोस करोगे। तो वही पॉइंट यहाँ पर आपको बता रहे हैं अल्लाह पाक कि अगर तुम यकीनी इल्म की हैसियत से जानते होते तो ये तर्ज अमल तुम्हारा नहीं होता। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं अल्लाह पाक कि तुम इल्म यानी कि कुरान का इल्म, हदीसों का इल्म, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का इल्म, उनके तालीमात का इल्म, कि अगर हैसियत से ये होने वाली चीज़ है कि खबर में हम लोग जाने वाले हैं, अल्लाह के सामने अल्लाह के हुजूर ठहरने वाले हैं, क़यामत का हशर होने वाला है, अगर ये तुम जान लेते होते तो ये तुम्हारा तर्ज अमल ना होता। तर्ज अमल क्या ना होता? कि ज़्यादा से ज़्यादा माल हासिल करने की जो चाह है तुम्हारी ख़त्म हो जाती थी वो, अगर तुम जान लेते होते तो, बोल के यहाँ पर बोल रहे हैं।
यकीनन हम लोग जो भी हम मैसेज देते हैं वो हमारे अमल की बिना पर देते हैं। अगर हम हमारे अंदर अभी भी वो डिज़ायर्स है कि ज़्यादा से ज़्यादा माल हासिल करना, मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना, अगर एक कार आ जाए, ज़रूरत के एतबार से अगर एक कार है तो काफ़ी है, लेकिन एक कार के बजाय और एक कार आ जाए, और एक कार आ जाए, और एक फार्म हाउस हो जाए, तो अगर ऐसा हम लोग जी रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर सेंडिंग द मैसेज दैट वी डोंट बिलीव इन आखिरत एंड वी डोंट बिलीव इन द डेट। सो ये तर्ज अमल हमारा हर चीज़ बता देता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो मेरा ये मानना है कि हम जो है ज़रूरत के एतबार से अगर हमारी ज़िंदगी जी लेंगे तो वो काफ़ी है। ख्वाहिशातों के एतबार से अगर जीएंगे तो बहुत मसला है वहाँ पर। तो अगर आपकी ज़रूरत है कार तो बेशक यू गो फॉर इट, यू टेक इट। अगर आपकी ज़रूरत है घर, गो फॉर इट, टेक इट। अगर आपकी ज़रूरत ज़रूरत के एतबार से, ख्वाहिशात के एतबार से नहीं चलना कभी भी। तो ये हमको यहाँ पर सीखने को मिल रहा। आगे हम बढ़ेंगे तो बता रहे हैं तुम दोजख देख कर रहोगे। यकीनी तौर पर ऐसे लोग जो लोग माल की कसरत में गाफिल हो जाते, ऐसे लोगों को पैगाम है कि तुम दोजख देख कर रहोगे, फिर सुन लो कि तुम बिल्कुल यकीन के साथ उसे देख लोगे। तुम बिल्कुल यकीन के साथ उसे देख लोगे। फिर दो बार द सेम चीज़ आई। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में अगर रख सकते कि दोजख तुम देख कर रहोगे, कौन से लोग? वो लोग जो माल की कसरत में गाफिल हो जाते, मौत से, अपने इंतकाम से, अपने अंजाम से। और आखिरी में यहाँ पर यह बताया गया है कि फिर ज़रूर उस रोज़ तुमसे इन नेमतों के बारे में जवाब तलबी की जाएगी। किन नेमतों के बारे में? जितना भी माल हमको मिला है वो अल्लाह ही के फ़जल से, अल्लाह ही के करम से हमको मिला है। हमारे अंदर इतनी हैसियत और इस्तेआत नहीं है कि हम लोग हमारे लिए खुद के लिए कुछ बना सके, कुछ कर सके। यस, हम लोग करेंगे, हम लोग करते हैं, लेकिन उस द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू रिक्वायर इज़ द यू नो मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला, फजल ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला, देन ओनली यू कैन गो अहेड एंड डू इट। तो ये जितना भी नेमतें अल्लाह पाक ने दी है, अल्लाह पाक ने कई नेमतें से हमको गुजारा, हमको दिया है। गर्मी, सख्त गर्मी के वक्त ठंडा पानी, सख्त सर्दी सर्दी के वक्त ओढ़ना बिछोना, घर रहने के लिए घर जो है, पहनने के लिए कपड़े, ये सारी नेमतें अल्लाह ही के लिए हैं। अगर चाहते होते तो अल्लाह पाक हमको नहीं देते थे, अल्लाह पाक हमको सड़क चाप भिखारी भी बना सकते थे, लेकिन अल्लाह ने हमको दिया है, तो ये अल्लाह की नेमतें हैं। तो दोस्तों, हर वो चीज़ अल्लाह की नेमत है जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और क़यामत के दिन इस इन नेमतों के ऊपर सवाल होगा। हदीसों में आता है कि इंसान के पाँव उस वक्त तक ना हट सकेंगे अल्लाह के सामने से जब तक कि वो शख्स इन पांच सवालों का जवाब ना दे दे। नंबर एक, उसने अपनी उम्र को किन कामों में फना किया है? दूसरा सवाल ये, उसने अपने जवानी की क़ुव्वत को किन कामों में खर्च किया? तीसरा ये कि जो माल उसने कमाया, उसने हासिल किया, वो जायज़ तरीक़े से या नाजायज़ तरीक़े से, किन किन तरीक़ों से वो माल कमाया? चौथा सवाल ये कि कहाँ उस माल को खर्च किया, जो कमाया उस माल था उसको किन चीज़ों पे, हराम की जगह पे खर्च किया या हलाल की जगह पे खर्च किया? और पांचवा सवाल ये है कि जो इल्म, क्योंकि इल्म भी अल्लाह ही के नेमत है और अल्लाह ही के देने से हमको मिलती है, जो इल्म अल्लाह ने उसको दिया था वो उसके ऊपर कितना अमल किया? तो ये पांच सवालों का जवाब जब तक इंसान नहीं देगा तो उस वक्त तक अल्लाह के सामने से उसके पाँव हटेंगे नहीं। तो हर वो नेमत जो हमको मिली है वो अल्लाह ही के फ़जल से, सबसे पहला चीज़। जब हम ये यकीन कर लेंगे कि ये अल्लाह ही का फ़जल है और इस पर शुक्र करेंगे, तो अल्लाह पाक शुक्र करने की वजह से हमको उस माल में मज़ीद इजाफ़ा कर देते हैं, क्योंकि हदीस में आया है कि शुक्र से माल बढ़ता, नंबर वन। नंबर टू, हमको एक पीस ऑफ माइंड मिलता, हमारे अंदर एक खिनात पसंदी और शुक्रगुजारी और ग्रैटिट्यूडनेस आया था, और ग्रैटिट्यूडनेस ऑलवेज ब्रिंग्स पीस इन योर हार्ट एंड योर माइंड। ये है दूसरा। तीसरा जो है, हम लोग डिप्रेशनों से और फालतू के कंपटीशनों से, कंपैरिजन से, और इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी अपने आप को कमतर समझना है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी अपने आप को जो है क्या कि बड़ा समझ लेना, इन चीज़ों से हम लोग बच जाते।
अल्लाह पाक हम सबको बचा लेते। तो ये चीज़ हमको सीखना बहुत ज़रूरी है, इससे हमको ये सीखने को मिल रहा है। तो ये सूरत बहुत बेहतरीन सूरत है, हम सबको जो है शुक्रगुजारी की तरफ आना है, हम सबको ग्रैटिट्यूड के साथ ज़िंदगी गुजारने की तरफ आना है, और मटेरियलिस्टिक लाइफ से जो है हम सबको पनाह मांगनी चाहिए और हम सबको परहेज़ करना चाहिए जो है उसमें किफ़ायतशारी, खिनात पसंदी और जो है ग्रैटिट्यूड के साथ हमको लाइफ गुजारना है। ये सूरत हमको ये चीज़ सिखाती है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। और आखिर में मैं ये इस पॉइंट के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। फजीलत, ये फजीलत इस सूरे की ये है कि रेफरेंस है मारिफुल कुरान में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस सूरत को एक बार पढ़ता है उसको 1000 आयतें कुरान की पढ़ने का सवाब मिलता है। एक सूरत जो कि 8, ये सूरत कौन सी सूरत, सूरह तकासुर, अगर एक बार पढ़ ले तो उसको 1000 आयतें पढ़ने का सवाब मिल जाता है। तो ये हदीस से हदीसों में आया है, इसकी फजीलत है। तो इसको बार बार पढ़ने की कोशिश करें और इसको सबसे अहम बात अप्लाई करें अपनी लाइफ में। ये जितने भी 8 वर्सेस की आयत है इसको अप्लाई करें और अपनी लाइफ में एक चेंज लेके आएँ, अपनी थिंकिंग में एक चेंज लेके आएँ, अपनी थिंकिंग को वास्ट करें, अपनी सोच को जो है बढ़ाएँ, अपनी सोच को महदूद ना रखें। और मैं एक बात बोलूँगा कि हमें ये बताया जाता है कि तफसीर मत पढ़ो, हमें यह बताया जाता है कुरान तर्जुमे से मत पढ़ो, आप भटक जाओगे, ये सब दीवाने बताएँ। अगर आप पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा ना, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे आपको पता चलेगा। तो आप मोतेबर उल्मा की सोबत में रहकर उनसे समझकर और जो है उनकी सच्चों की सोबत में रहना बहुत ज़रूरी है, अच्छों की सोबत में रहना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ साथ पढ़ें, आप भी सीखें, समझें और शेयर करें। कुरान सीखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप ज़िंदगी वेस्ट कर दोगे। तो कुरान बहुत ज़रूरी है, और जितने भी लोग ये बोलते हैं उनको इग्नोर मारिए और सीखिए। आपका जितना भी वक्त फ्री टाइम है उसको सीखने सिखाने में लगाइए, इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड आई वुड लाइक टू ऑल्सो टेल द रेफरेंसेस फ्रॉम विच आई हैव टेकन आउट दिस कंटेंट। वन इज़ द तफ़ीमुल कुरान, सेकेंड इज़ तफ़सीर इब्ने कसीर, थर्ड इज़ मारिफुल कुरान। ये 3 तफासिर की किताबें हैं, आप भी देख सकते, पढ़ सकते। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, एंड आई लव यू ऑल।